गांव जांडवाड़ा बागड़ में सड़क हादसे में बुजुर्ग दंपति की हुई मौत। गांव जांडवाड़ा बागड़ में बुधवार प्रातःकाल यहां सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना जो यहां गांव जांडवाड़ा बागड़ में घटित हुई उसकी देखें पूरी रिपोर्ट। हम इस वक्त हैं गांव जांडवाड़ा बागड़ में और गांव जांडवाड़ा बागड़ में एक हादसा हुआ है। यह बड़ा हादसा आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। यहां पर जिस तरह से यह घटना घटित हुई है, यह काल का रूप लेकर एक बुजुर्ग दंपति को इसने शिकार बनाया है। यह परिवार जो अपने घर पर दोनों बुजुर्ग दंपति थे और अब कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान सुबह प्रातःकाल बुधवार को यहां जांडवाड़ा बागड़ में यह हादसा हुआ है। यह गाड़ी जो आप सामने देख रहे हैं, बोलेरो गाड़ी तेज़ गति से यहां आती है और घर पर यहां अपने घर के गेट के आगे जो बुजुर्ग दंपति थे उन्हें काल का ग्रास बना लेती है। यह घटना गांव जांडवाड़ा बागड़ में बेहद दुखदायक घटना हुई है। यहां पर प्रत्यक्ष दर्शी के तौर पर ग्रामीण भी मौजूद हैं। ग्रामीण, आप सर क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ? गाड़ी सर तेज स्पीड में थी जी, और जैसे ही अनकंट्रोल हो गई, ड्राइवर को नींद आ गई थी जी, और उसका रेस पर पाउंड धरा गया और बहुत ज्यादा बहुत बड़ा हादसा हुआ जी। जी दुखदायक जी, ये बहुत ही दुखदायक हादसा है, बता रहे हैं। यह गांव जांडवाड़ा बागड़ में जो आपके सामने रोड देख रहे हैं, यह रोड जोगीवाड़ा चारवाड़ा से होते हुए भट्टूकलां की ओर जाता है, जबकि जिस साइड यह बोलेरो गाड़ी यहाँ पलटी हुई आपको दिखाई दे रही है, यह रोड रामसरा की ओर जाता है। यह कैंची बनी हुई है और इस कैंची पर यह जो सामने मकान आप देख रहे हैं, यह मकान यहाँ जो है सलामुद्दीन 60 वर्षीय का था और यहाँ पर वह वृद्ध अपनी धर्मपत्नी नियामती के साथ घर के गेट के आगे खड़े थे। इसी दौरान यह तेज़ गति से यह गाड़ी आती है और प्रातःकाल उन्हें काल का ग्रास बना लेती है। यहाँ जिस तरह से यह यमदूत बनकर यह गाड़ी उनका काल का ग्रास बन गई, इसको लेकर यहाँ लोगों में गमगीन माहौल है। यहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति है वह आप देख रहे हैं। इन्हें जो दंपति के शव हैं वो सिविल हॉस्पिटल भट्टूकलां ले जाए गए हैं, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल पुलिस इस संबंध में कार्रवाई कर रही है। बुजुर्ग दंपति जो है यहाँ अपने घर पर थे और इस जगह यहाँ यह हादसा हुआ है। जिस स्थान पर हम आप ये देख रहे हैं, ये उनका घर है और यहाँ पर ये आरा मशीन लगाकर अपनी मजदूरी का कार्य करते थे और दिहाड़ीदार के तौर पर यह परिवार है। जिस तरह से यह घर का स्थिति आप देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह परिवार किस तरह से अपना टाइम पास कर रहा था और यहाँ पर यह हादसा हुआ है। जिस यह जो जूते भी यहाँ दिखा रहे हैं और यहाँ पर सामने बोलेरो गाड़ी पलटी हुई दिखाई दे रही है, तेज़ गति से आई बता रही है और यहाँ पर जिस तरह से घर के आगे बिल्कुल जी जैसे बता रहे हैं कि इस गाड़ी इस सामने पेड़ में लगी है। यह दुपट्टा भी इस पर टंगा हुआ है, सामने एक कुर्ता भी कुर्ता या चुंडी भी दिखाई दे रही है, जूते ये बिखरे हुए हैं। यहाँ पर यह हादसा हुआ है। इस तरह की स्थिति जो देखने को मिली है यहाँ गांव जांडवाड़ा बागड़ में। ग्रामीणों ने बताया कि बोलेरो गाड़ी में दो महिलाएं व एक पुरुष था, जो कि कुकड़ावाड़ी जा रहे थे और गांव निठाणा से आए थे। वो उन्होंने बताया कि उक्त लोगों ने उन्हें बताया कि वे जागरण में गए हुए थे और अपने गाँव कुकड़ावाड़ी जा रहे थे और इसी दौरान प्रातःकाल गाँव जांडवाड़ा बागड़ में यह हादसा हो गया।